इस कमरे के लिए कालीन चाहिए, पर यह खर्च हम नहीं उठा सकते। राष्ट्रीय पुरस्कार भंडार। युद्धों में पोम्फिया, गुंजालैंड, घमंडावर्त, मूर्खलोक आदि देशों से जीते हुए झंडे। चीथड़ों से कालीन बनाने का कारखाना। एक दिन डेंगाली के डाकखाने में। हाँ, वाकार साहब की चिट्ठी है। उनका पोस्ट बॉक्स तो कई वर्षों से है, पर उन्हें आज तक देखा नहीं। कौन है वो? बोलता नहीं। महाबली वेताल का नाम। लड़का भागा भागा जंगल तक गया। चिट्ठी है उसकी। कई महीनों के बाद नंगाड़ों से आगे के हरकारों को बताओ। खतरनाक जानवरों से भरे हुए जंगल के मीलों लंबे रास्ते के लिए हरकारों की पांच तैयार हो गई। चिट्ठी पहुंचाने के लिए। हरकारे तैयार, वेताल की चिट्ठी। बीहड़ में खोपड़ी नुमा सिंहासन तक। वहाँ वेताल कबाली सरदारों से सलाह कर रहा। तुम्हारे कबीलों को व्यापारी संधि करनी चाहिए। चिट्ठी, मुझे फौरन जाना है, आगे बात फिर करेंगे। इतनी जरूरी बात छोड़कर मत जाओ, जंगल के सारे सरदार आए हैं। अगले महीने आना। नमस्कार। चिट्ठी, इसमें ऐसी क्या बात लिखी है जो तीर की तरह चला गया? प्रीतम, तुमसे मिलने में हवाई जहाज से डेंगाली आ रही हूँ। अगली 6 तारीख को पहुँचूंगी, हवाई अड्डे पर मिलना। डायना। इस बीच विशालकाय विमान में। मिस पामर, चालक केविन देखेंगी? नहीं धन्यवाद, मैं तो उसके ख्यालों में खोई हूँ। विमान स्थल पर जरूर आएगा। उसी विमान में। इस औरत की बात छोड़, हर बार उसने तुझे झिड़क दिया, काम की बात सोच। अबे बहुत वक्त है, परी है परी, मैं आपके पास बैठूं? मेरा नाम ड्रेक है। नाम आप पहले बता चुके हैं और मैं कह चुकी हूँ कि मुझसे बात न करें। समय समय, मुझे चालक दल का केबिन देखना है। मिस, माफ कीजिए, यात्रियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। मिस, इन्हें दिखा ही दीजिए। अरे, यह क्या तमाशा है? तमाशा नहीं, गोली। रेडियो बंद करने के लिए जहाज को पानी पर उतारो। सब चुपचाप बैठे रहें, इसी में भलाई है। विमान उतर रहा है। विमान जल पर भी उतर सकता था, प्रशांत महासागर में कहीं उतरा। पागल है आप, कोई बड़ी लहर आ गई तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। इंतजार किसका है? टैक्सी का। जल्दी हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया। आहा, आ गई टैक्सी। हीरे और प्लेटिनम के पार्सल ले लो, बाकी पानी में फेंक दो। इन्होंने विमान के माल लादने के हिस्से को लूटा और बिल ने मुसाफिरों को। जो कुछ तुम्हारे पास है वह निकाल दो दोस्तों, जेवर और नकदी इस बक्से में डालते चले जाओ, संभाल कर। बिल, अब चलो, बक्सा और उस लड़की को भी ले चलो। लड़की को नहीं ले जा सकते ड्रेक, अकल से काम लो। मामला दिल का है। शार्क मछलियों से बचना है तो चढ़ जाओ झटपट। हम तुम्हारे इंजन में खराबी कर चले हैं, ठीक करने में घंटा भर तो लग ही जाएगा। नमस्कार। हेलीकॉप्टर उन्हें ले गया। इधर विमान में। इंजन फौरन ठीक करना है, वरना समुद्र की लहरें हमें निकल जाएंगी। मुसाफिर। हमारा क्या होगा? न जाने कौन शैतान थे। आप धीरज रखे, इंजन की मरम्मत हो रही है, हम जल्दी उड़ जाएंगे। उधर डेंगाली विमान स्थल पर। डेंगाली के विमान को 4 घंटा पहले आ जाना चाहिए था, पर उसकी कोई खबर नहीं है, रेडियो से संपर्क नहीं बन रहा। विमान आ रहा है। विमान के आने की खबर सुनकर लोग खुशी के मारे दौड़ पड़े। शाबाश, आया। लुटेरों ने हवाई जहाज को समुद्र में उतारने को मजबूर किया। हमें लूटा, विमान का माल लूटा। सच? एक स्त्री को भी ले गए। बहुत मुसीबत में पड़े आप लोग। एक डायना पामर भी आ रही थी इस विमान से, वे कहाँ हैं? डायना पामर? उन्हें ही तो ले गए वे लुटेरे हेलीकॉप्टर से। उड़ाकू लुटेरे। उड़ाकू लुटेरे का अड्डा एक टापू था। आ गए। कोई लड़की है साथ में? लड़की यहाँ लाने की क्या सूझी ड्रैक? फिर बताऊंगा, अभी तो माल संभालो, हीरे प्लेटिनम रोकड़। वाह, बताओ क्यों तुम्हें लाया? माल को लाने ले जाने के लिए गिरोह में सुंदर स्त्री चाहिए थी हमें।
मगर मैं तुम्हारा काम करने वाली नहीं हूँ। काम करोगी और मुझसे शादी भी करोगी, करोड़ों कमाता हूँ, सब तुम्हें दूंगा, किस्मत खुल जाएगी। मुझे नहीं खुलवानी अपनी किस्मत, मुझे तो घर जाना है। बिगड़ेल घोड़ी, पर मैं तेरे मुंह में लगाम डालूंगा, नहीं तो शार्क को खिला दूंगा। ड्रैक, लड़की लाकर अच्छा नहीं किया। ए बकवास बंद कर, पट्टी बांधो मेरे सिर पर। विमान चालकों को नामी लुटेरों के चित्र दिखाए गए। यह हाँ ड्रैक, छटा हुआ बदमाश, कई बार सजा भुगत चुका है। तभी वेताल वहां आया। मैं डायना पावर का मित्र हूँ, उन्हें ले गए गुडाकू लुटेरे, उनके सरदार की शिनाख्त हो गई है, ड्रैक नाम है उसका। उन्हें खोजना आसान नहीं है, विमान को इन दोनों द्वीप समूह के बीच लूटा है, हेलीकॉप्टर इन टापुओं में कहीं गया होगा। सैकड़ों टापू है, हजारों मील फैले हैं, कहां देखें कहां ना देखें। टापू पुलिस की हद के बाहर है, मामला नौसेना के सुपुर्द किया जाएगा। इसमें तो महीनों लग जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हेलीकॉप्टर पूर्व में गया था या पश्चिम में? पश्चिम में, वह लड़की गिरोह की ही थी, इसलिए तो उसे साथ ले गए। अफवाहें फैलाना खतरनाक होता है। मैं तो वैसे ही मैं आदमी है, यह है कौन? उसका मित्र लुटेरे से मिल गए तो उनकी खैर नहीं। हजारों द्वीप है पश्चिम में, डाकू और डायना वहीं किसी टापू में है। उस टापू का पता कैसे लगे? बंदरगाह में। मैं यान भाड़े पर चलाता हूँ, आप मछलियाँ पकड़ने कितनी दूर जाएंगे? 100 मील, जहाँ पश्चिमी द्वीप समूह शुरू होता है, मछलियों के वहाँ जाकर सोचेंगे। मुझे यहीं तक जाना था, यान रोक दो। रोक दो? क्यों, मछलियाँ पकड़नी है ना? नहीं पकड़नी। तुम्हें भाड़ा मिल गया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यह बीच समुद्र में है, किनारा कम से कम 10 मील दूर है। अजीब सर फिरा है। वेताल का इरादा क्या है? टापू के पास वहाँ के लोग जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। वेताल उनकी नजरों से बचता हुआ आया और उसने गोता लगाया। मछली मारो ने जाल खींचा तो तुम मुझे जानते ही हो, मैं वेताल हूँ। चलता फिरता प्रेत? सचमुच यह चलता फिरता प्रेत है? वेताल जल देवता की तरह सागर से निकला, तुम किस लिए आए हो? यह पूछने को कि चिड़िया की तरह उड़ने वाला मनुष्य यंत्र किस टापू में है, अपने नगाड़ों पर पूछ कर बता सकते हो मुझे? बता सकते हैं चलते फिरते प्रेत, वेताल सागर से निकल कर आया। चिड़िया की तरह उड़ने वाला यंत्र तुम्हारे टापू में है, बताओ। यंत्र तुम्हारे टापू में है, मेरे टापू में नहीं है, अगले टापू से पूछो, अभी बताता हूँ, जरा ठहरो। हजारों मील में फैले हुए सैकड़ों द्वीपों में नगाड़े गूंज रहे थे। चिड़िया जैसा यंत्र तुम्हारे टापू में है। बलुआ चट्टानी टापू जिसमें लुटेरों का अड्डा था, यह नगाड़ा क्यों पीट रहे हैं? नगाड़ा टापुओं का टेलीफोन है, यहाँ के लोग अपनी तमाम खबरें नगाड़ों से भेजते हैं, इनकी आवाज मीलों तक जाती है। वहाँ से नगाड़ों पर जवाब आया और चिड़िया जैसा यंत्र यहाँ बलुआ चट्टानी टापू में है। सौभाग्य से वेताल को मिल गया। चिड़िया जैसा यंत्र यहाँ बलुआ चट्टानी टापू में है। सिर फटा जा रहा तेरे नगाड़े के डमडम से, बंद करो इसे। और नगाड़ा बंद हो गया। उड़ाकू लुटेरों ने आगे का कार्यक्रम बनाया। अब कहीं जाकर माल बेचना चाहिए, इस काम में लड़की की मदद लेंगे। उसका क्या भरोसा? नहीं डायरेक्ट, उसने भांडा फोड़ दिया तो क्या करोगे? तुमने धोखेबाजी की तो उसकी सजा है, या एक बार हमारा काम कर दिया तो फिर हम जैसी हो जाओगी, समझी? हाँ, करना क्या है मुझे? इस बीच वेताल, नगाड़ों पर पेंगो के नौसैनिक अड्डे को संदेश भेजो कि लुटेरे बनवा चट्टानी टापू में है। अभी लो चलते फिरते प्रे, अब हम उस टापू को चलेंगे। 200 मील जाना है, कई दिन लगेंगे, देर तो नहीं हो जाएगी तब तक, ना जाने डायना कैसी होगी। लुटेरे बलवाल चट्टानी टापू में है। टापू टापू से नगाड़ों पर संदेश चला और पहुंचा पेंगो के नौसैनिक अड्डे पर। जंगल वालों का संदेश है, ठीक होगा इस पर भरोसा करना। उड़ाके लुटेरों के बारे में यह पहली खबर मिली है। आज माहिले विध्वंसक पोत से सैनिक भेजो। इधर विध्वंसक पोत तेज रफ्तार से बलवा चट्टानी टापू और लुटेरे अड्डे की ओर चला। और उधर वेताल, और तेज, आओ पहुंचे अब तो। इस बीच टापू में लुटेरे, चलो हम हीरे जवाहरात बेचने जा रहे हैं,
तुम्हें इस काम में हाथ बटाना है। मैं नहीं करूंगी यह काम। अच्छा सुनो, हमारी निगाह से बचोगी नहीं, फौरन सफाया कर देंगे तुम्हारा। हेलीकॉप्टर जा रहा है, हो सकता है लुटेरे जा रहे हो। डायना भी उनके साथ हुई तो देर हो गई हमें आने में, इसे रोकना तो असंभव है। हेलीकॉप्टर में लुटेरे, देखो कबायली नौका, तमाशा करें इनके साथ। तमाशा? कैसा तमाशा? हेलीकॉप्टर कुछ नीचे उतार कर नौका को उछाल देंगे, फिर देखना इनका कूदना। नहीं नहीं ये ठीक नहीं, पानी में शार्क मछलियां हैं। तभी तो और मजा आता है। इधर आ रहे हैं हमें उल्टाने को, कूदो कूदो। जहाँ हो वही बैठे रहो, कोई कूदे नहीं, नौका फिराओ। कुछ सोच कर आए हैं ये, बड़ा अच्छा हुआ। वेताल ने रस्सी लेकर फुर्ती से फंदा बनाया। सोचा कुछ मैंने भी है, देखो, और हेलीकॉप्टर की ओर फेंका। नौका इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि हेलीकॉप्टर से उठी नहीं, फंदा निशाने पर बैठा। लुटेरे बेबस हो गए। इसमें स्त्री भी है, डायना नौका चलाओ। नौका से बन गए हम तो कैसे छूटे। हेलीकॉप्टर पूरी ताकत से उड़ाओ, चलो चलो चलो। कबायली नौका और आधुनिक हेलीकॉप्टर के बीच अजीब सी रस्साकसी होने लगी। इतना भारी है कि उठता ही नहीं, छूट नहीं पाएंगे हम। वह भी है, आप पहुंचा। मैं झुककर रस्सी काट दूं, पर काट पाया नहीं, रस्ते तक नहीं पहुंच सकता। गोली चलाई, गोली चलाना मुझे भी आता है, मशीन गन से खून कर रख दूंगा। गोली चलाओ तो कहीं डायना के न लग जाए, नीचे खिसकता नहीं, मुझे ऊपर जाना होगा। नकाबपोश ऊपर आ रहा है, लगा दूंगा ठिकाने। बेताल रस्सी से ऊपर आने लगा। तभी नौसेना का विध्वंसक पोत आ पहुंचा। उन्होंने वह अनोखी रस्साकसी देखी। यह क्या? कबायली नौका और हेलीकॉप्टर लुटेरों का लगता है, आगे बढ़ो। पहले इसे खत्म करो, फिर नौका के लोगों को। कभी नहीं। ओह, डायना के आकस्मिक झटके से उसकी बंदूक छूट गई। ठोकर मार के गिरा दूंगा। वेताल ने ड्रेक को पकड़ा और ड्रेक ने बिल को, और तीनों शार्क से भरे पानी में जा पड़े। शार्क बहुत हैं। ओह, हेलीकॉप्टर को क्या हुआ? चालक के बिना वह भी गिर गया। डायना उसमें फंसी है। नौके वाले शार्क को भाले से मारकर भगाने लगे और वेताल तैरकर हेलीकॉप्टर पर गया। डायना ठीक तो? हाँ, यह मामला क्या है? लगता है मछुओं ने उड़ाकू मछली पकड़ ली है। तभी वे लोग नौसेना के विध्वंसक पर आ पहुंचे। ये उड़ाकू लुटेरों के सरदार हैं। बलुआ चट्टानी टापू पर इनका अड्डा है। इस युवती को ये लोग लेकर आए थे। आपने कमाल किया, अब हम संभाल लेंगे। फिर बलुआ चट्टानी टापू में, विध्वंसक पोत, इसे हमारा क्या पता, चला जाएगा। पोत ने रेडियो पर आज्ञा दी है कि हम हथियार डाल दें, सैनिक आ रहे हैं। डाकुओं ने सैनिकों पर गोली चलाई तो सैनिकों ने जवाब गोलियों से दिया। थोड़ी देर में डाकुओं ने हथियार डाल दिए। मैंने कहा था ना तुमसे, स्त्री को लाकर अच्छा नहीं किया। न तुम इसे लाते, न नकाबपोश पीछा करता, हमारी पांचों घी में रहती। बकवास बंद।